अब देखो, काफी टाइम से खबरें आ रही हैं कि सेक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल यूनिवर्स रीबूट होने वाला है। रीबूट मींस कहानी आगे चलकर थोड़ी सी ऑड हो गई है एंड इसको सुधारने के लिए हमें फिर से शुरू करना होगा, जस्ट लाइक डीसी। बट अगर रीबूट ही करना होता तो सेक्रेट वॉर्स के बाद क्यों, पहले क्यों नहीं? पहले कर देते तो शायद आगे चलकर इन लोगों को डीसी जैसा फ्यूचर ना देखना पड़े। बट अगर यहीं पर मैं तुमसे ये कहूं कि मार्वल को पता है कि वो क्या कर रहा है, तो अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नो वे होम के पहले स्पाइडरमैन एवे एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब स्पाइडरमैन की खास पावर्स उसे बिना किसी वैल्यू के मिल गई थी। जहां स्पाइडरमैन की ओरिजिन दिखाए बगैर ही इन लोगों ने स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाना चालू कर दिया। तो अब बारी आती है इसे रिबूट करने की। रिबूट मतलब वो हिस्सा जिसे हमें शुरुआत में दिखाना था, वो पॉइंट हम अचीव कर सके। जहां इस कदम को इन लोगों ने इतनी खूबसूरती से एग्जीक्यूट किया ना कि पूछो ही मत। मतलब फार फ्रॉम होम में स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पब्लिक होने के बाद ये मिस बहुत आगे चला गया था। जहां टिपिकल स्पाइडरमैन मूवी में अगर तुम देखने जाओगे तो पहली बात तो उसके किसी अपने की डेथ एंड उसकी आइडेंटिटी एकदम प्राइवेट रहती है। जहां स्पाइडरमैन सीक्रेटली अपना काम कर सकता है बिना किसी की नजर में आए, एंड यहीं पर एमसीयू के स्पाइडरमैन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। एक तो उसकी आइडेंटिटी भी पब्लिक हो गई थी एंड उसके किसी अपने की डेथ भी नहीं हुई थी, जो कि नो वे होम में इतनी खूबसूरती से कवर किया गया ना। जहां स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी भी प्राइवेट हो गई एंड उसके आंट के डेथ की वजह से उसकी कोर वैल्यू भी निखर कर आ गई, एंड अब ये पूरी तरह से स्पाइडरमैन होने के लिए वर्दी है। जहां आने वाली स्पाइडरमैन मूवी में स्पाइडरमैन की एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, एंड यही सेम चीज हमारे एमसीयू के अदर कैरेक्टर्स के साथ भी हुआ है। जहां पे आयरन मैन को काफी जल्दी एलिमिनेट कर दिया गया, कैप्टन अमेरिका भी अपना रास्ता नाप लिए, नताशा रोमानोफ भी निकल गई। जहां आयरन मैन के साथ तो मार्वल को अभी काफी कुछ दिखाना बाकी था। जहां आयरन मैन के नए नए सूट, आयरन मैन का एसगार्ड जाना एंड सेलेस्टियल्स के खिलाफ गॉड किलर आर्मर को बनाना, मतलब अगर देखा जाए तो एमसीयू में अच्छा खासा रोल आयरन मैन का ही है। एंड अगर अपने कैप्टन की भी कॉमिक्स उठाकर देखोगे तो कैप्टन ने भी काफी कांड कर रखे हैं, जिन्हें दिखाने के लिए सेक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू अपना एक सॉफ्ट रिबूट करने वाला है, जिससे चीजें जो है वो फिर से शुरू होगी एंड पास्ट में जो सारे बैटल हुए हैं ना, उन्हें भी पूरे सम्मान के साथ एमसीयू के शोकेस में रखा जाएगा, जहां पे उन सारे बैटल्स की भी वैल्यू खत्म नहीं होने वाली है। तो चिंता की बात नहीं है, ये बिल्कुल नो वे होम की तरह एक सॉफ्ट रिबूट होने वाला है। एंड जैसा कि मैंने शुरू में कहा, एमसीयू शायद जानता है कि वो क्या कर रहा है, तो बस सेक्रेट वॉर्स के मजे लो एंड चीजों को दोबारा बनते हुए देखो, और साथ में चैनल की वीडियोस भी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।